आखिर क्यों बहुत सारे डॉक्टर जो है आपको हर्बलाइफ लेने से मना करते हैं, और वो बताएंगे कि इसके साइड इफेक्ट हैं, इससे ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आपने कहीं पर भी कुछ ट्रीटमेंट कराया हो किसी डॉक्टर के पास में, और उसको जो है नाम अगर ले दिया हो कि मैंने हर्बलाइफ यूज़ किया था, तो वो एक और प्रॉब्लम आपको बता देगा कि ये प्रॉब्लम हुई है और आपने हर्बलाइफ यूज़ कराया इससे ये साइड इफेक्ट हुआ है, ये प्रॉब्लम आपको हुई है। तो ये क्यों? देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि आप यहाँ पास में कोई हर्बलाइफ का सेंटर है, ठीक है, और पास हॉस्पिटल है, यहाँ पर सेंटर इधर है और हॉस्पिटल इधर है। अब आपको कोई बीमारी है, जैसे कि अगर वेट लॉस ही अपन यहाँ पर लेके चलते हैं, ये वेट लॉस जो है आपका आपको कम करना लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप लोगों ने पहले ट्रीटमेंट कराया हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनका जो हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट आपका चला है और वहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ से स्किप कर दिया, अपना जो ट्रीटमेंट कराना है वो बंद कर दिया और आप आए हर्बलाइफ के सेंटर, ठीक है, आपने हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स परचेस किए, यूज़ करा और आपको रिजल्ट मिलने लगा, 2-3 महीने में आपको बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगे और आपका वजन भी कम हो गया। तो यहाँ पर अब हॉस्पिटल पे लोग जाना तो बंद कर देंगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पे हर्बलाइफ यूज़ करा है, फिर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप एक ही जवाब दोगे कि मैंने सिर्फ हर्बलाइफ यूज़ करा है, उससे अपना वजन कम किया है। अब आप लोग जो है हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट कर रहा है और उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर कोई आपसे पूछता है मुझे हॉस्पिटल दिखाना है, तो आप और सामने वाले को मना करोगे, यार मैंने भी ट्रीटमेंट कराया था तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसे में उनके कस्टमर्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल भी एक तरह की जो है दुकान है जहाँ पर वो अपने कस्टमर बना के चलते हैं, और अगर अच्छा सा ट्रीटमेंट करेंगे तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे, और ट्रीटमेंट आपका हुआ नहीं या फिर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर वहाँ पर लोग क्यों जाएंगे। तो ऐसे में आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, अगर हर्बलाइफ का नाम आप लोगे, तो डॉक्टर आपको बोल देगा नहीं इससे तो साइड इफेक्ट होंगे, ये प्रॉब्लम जो नहीं हुई होगी प्रॉब्लम भी आपको बता देंगे, ये प्रॉब्लम आपकी जो है हर्बलाइफ से हुई है। अब क्या गारंटी है कि हर्बलाइफ से हुई है? देखो ये जो मैंने अभी उदाहरण दिए, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको पता होगा हर्बलाइफ खाना है, फूड है, खाना खाने से कोई साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होते। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, आप कोई स्किन की आपको प्रॉब्लम है और आप लोग किसी डॉक्टर से बोलते हो कि मैं हर्बलाइफ का स्किन बूस्टर ले सकती हूँ क्या, कोई भी लेडी अगर ये पूछती है, तो सामने वाला जो डॉक्टर है वो आपको मना कर देगा, नहीं हर्बलाइफ मत यूज़ करोगे, साइड इफेक्ट इससे होते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ पीछे जो कंटेंट है स्किन बूस्टर के, उसका सिर्फ फोटो ले लो, उसको क्रॉप कर लो, कहीं पर भी हर्बलाइफ का नाम नहीं होना चाहिए। अब वो डॉक्टर को बताओ कि ये वाला कंटेंट जो इसमें है और इस प्रोडक्ट को क्या मैं ले सकती हूँ, तो डॉक्टर बोलेगा हाँ ले सकते हो। अब आपने डॉक्टर को तो नहीं बताया ना कि वो हर्बलाइफ है, लेकिन आपने वो कंटेंट बताया, तो डॉक्टर बोलेगा हाँ आप इसको ले सकते हो, बताओ, डॉक्टर ने वो चीज़ के लिए हाँ कर दिया, तो आप लोग डॉक्टर को बोल सकते हो। तो अभी आप थोड़ी देर पहले तो मना कर रहे थे कि आप इसको नहीं ले सकते हो, फिर वही चीज़ जो हर्बलाइफ के अंदर भी स्किन बूस्टर के अंदर वही कंटेंट है, मैं ट्राई कर रही हूँ, आपने हाँ कर दिया। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से जो है कुछ डॉक्टर्स आपको साइड इफेक्ट्स जो है हर्बलाइफ के बता देते हैं बिना जाने, क्योंकि अभी बताया मैंने कस्टमर जो बनाना होता है, क्योंकि डॉक्टर भी अगर कोई कस्टमर बनाएंगे तो अगर अच्छा सा ट्रीटमेंट देंगे तो एक किसी की बीमारी सही होगी तो वो 4 को भी उनके पास ले जाएगा, अगर नहीं हुई तो वो 2 को और मना करेगा। ये बात अगर आप मेरी इस बात से एग्री है तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को हर जगह शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।